competition community for the first time is coming up with CGPSC Pre English Medium course. I'm Pokhraj Giri and I've dealt with Chhattisgarh General Studies in such a manner that the entire syllabus, along with the necessary and reliable information, with the help of maps and graphs, have been covered in a very concise manner, which will definitely prove to be very helpful for your preparations. So hurry and grab this opportunity as soon as possible. Thank you and take care. नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। भीषण गर्मी के बाद वर्षा होने से हरियाई हुई धरती को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। हरेली का पर्व छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय पर्व है, जिसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्यौहार के रूप में सामूहिक रूप से मनाया जाता है। वैसे तो ये मूलतः कृषकों का पर्व है, लेकिन इसमें हर वर्ग के लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। हरेली का सबसे पहला रस्म है पशुधन को लौंदी खिलाना। इस दिन सुबह से ही लोग बैगा के घर जाते हैं और बैगा के द्वारा तैयार किए गए औषधि को मिलाकर चावल आटे से लड्डू के आकार की लौंदी बनाते हैं और इसे दहिहान में पशुधन को वर्षा जनित रोगों से सुरक्षित रखने के लिए खिलाते हैं। कोई पशु इसे प्यार से खा लेता है तो किसी को नकली क्रोध दिखाकर खिलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ दहिहान में मानव और पशुओं के मध्य आत्मीय संबंध का अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलता है। और फिर बचे हुए चावल आटे की लौंदी को घर में लाकर उसकी अंगाकर रोटी बनाई जाती है। अंगाकर रोटी चावल आटे की मोटी रोटी होती है, जिसे छेने के मध्य रखकर पकाया जाता है। चूंकि इसे अंगार से पकाया जाता है, इसलिए इसे अंगाकर रोटी कहते हैं। इसके साथ ही इस अवसर पर बरा, सोहारी और प्रमुख रूप से गुड़ का चीला बनाया जाता है। इधर घर में कुल देवता और ग्राम देवता की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए सुबह से ही गेहूं खेत की मिट्टी लाकर उसकी लौंदी बनाई जाती है और उसे कुल देवता को छाबा जाता है। कुल देवता पर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रकृति के देव का प्रकृति के द्वारा श्रृंगार किया जाता है। ध्यान रहे, ये लौंदी गेहूं खेत की मिट्टी से बनाई गई है, ये चावल आटे से बनाई गई लौंदी नहीं है। चावल आटे से बनाई गई लौंदी को पशुधन को दहिहान में खिलाया जाता है और फिर उसके बाद पूरे ग्रामीण अंचल में कुल देवता और ग्राम देवता की अच्छी फसल के कामना हेतु पूजा की जाती है। इसके साथ ही घरों में कृषि में उपयोग होने वाले कृषि उपकरण और औजारों की भी पूजा की जाती है। सभी कृषि उपकरण जैसे नांगर, गैती, कुदाली, रापा, टंगिया, इन सब की धुलाई और सफाई करके उसे एक स्थान में रखकर उनकी पूजा की जाती है। प्रकृति के साथ जिन औजारों से संघर्ष करके किसान समाज का पेट भरता है, भला उनसे बड़ा देव उनके लिए और क्या हो सकता है। हरेली जहाँ किसानों के लिए पूजा का त्यौहार है, तो वहीं बच्चों के लिए ये मनोरंजन का त्यौहार है। इस दिन सुबह से ही बच्चे गेड़ी की तैयारी में जुट जाते हैं। ये गेड़ी बांस की बनी 10 से 25 फीट की ऊंचाई की लंबी लकड़ी होती है, जिसके बीच में पैर रखने के लिए खांचे बने होते हैं। इन खांचों पे पैर रखकर जब गेड़ी पर चढ़ा जाता है, तो गेड़ी चोई रोई की आवाज़ करती है, मानो ये हरेली के स्वागत में तान छेड़ रही हो। तो इस प्रकार से पूजा के बाद बच्चों के द्वारा अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग ऊंचाई की गेड़ी चढ़ी जाती है और इनके द्वारा अपनी कुशलता और संतुलन का प्रदर्शन किया जाता है। इसके साथ ही लड़कियां खो खो खेलती है और इस दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। हरेली के दिन बीज खुटनी अर्थात
बचे हुए बीज का अनाज मांगने की परंपरा है, जिसके लिए महिलाएं 4 से 5 के समूह में इकट्ठा होकर सिर में टुकना लिए और चेहरे पर हरेली की हरियाली लिए घर घर जाकर बीज खुटने का अनाज मांगती है और उन्हें आशीष देते हुए आगे बढ़ती है। जब इनका टुकना धान, अरहर, कोदो और लाखड़ी से भर जाता है तब ये वापस घर लौट आती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये पर्व केवल किसानों और बच्चों का नहीं बल्कि इस दिन महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही हमें इस पर्व में राव समुदाय और लोहार जाति के लोगों की भागीदारी भी देखने को मिलती है। इस दिन सुबह से ही राव समुदाय के लोगों के द्वारा घर घर जाकर वर्षा जनित बीमारियों से रक्षा हेतु घर के दरवाजे पर और वाहनों पर नीम की डारी खोची जाती है, जिसके बदले उन्हें अन्न, सब्जी या अन्य उपहार दिए जाते हैं। चूंकि नीम विषाणु नाशक होता है, इसीलिए हरेली में ग्राम के हर घर में नीम की डारी खोजने की परंपरा है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो सावन की हरियाली घर आंगन तक ही पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी ओर लोहार जाति के लोगों के द्वारा घर को अनिष्ट शक्तियों से बचाने के लिए घर के हर कमरे के दरवाजे पर पाटी ठोका जाता है। यह पाटी लोहे का नुकीला कील होता है, जिसे किसी बैगा के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं लोहार के द्वारा बनाया जाता है, जो ना तो बैगा होता है और ना ही तंत्र मंत्र का जानकार। श्रावण अमावस्या की रात साल के सभी रात्रि में सबसे अंधेरी होती है और इस रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लोग में ऐसा अंधविश्वास है कि ये रात केवल बैगा और टोनियों का होता है। इस दिन रात में असुरी शक्तियाँ तंत्र साधना और जादू टोना सिद्ध करती है और इसीलिए इनसे रक्षा हेतु घर की दीवारों पर गोबर से प्रेत बनाया जाता है और घर के दरवाजे पर पाती ठोका जाता है, ताकि ये अनिष्ट शक्तियाँ इसे भेद ना सके। इस अवसर पर बैगा पूरे गांव को तंत्र मंत्र से बांध देता है ताकि बुरी शक्तियां गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो इस प्रकार से ग्रामीण अंचल में पुरुष, महिला, बच्चे सभी वर्ग एवं समुदाय के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से अच्छी फसल की पैदावार और पशुधन के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ धूमधाम से हरेली के पर्व को मनाया जाता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले और भी लोक पर्वों को गहराई से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हर शनिवार रात 8 बजे। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।